मैं हूं आपकी होस्ट रजनी, लेकर आई हूं आप सभी प्यारे व्यूवर्स के लिए प्यारा सा प्रोग्राम यानी कि टुनाइट स्पेशल। वेल, टुनाइट स्पेशल में क्या कुछ होने वाला है आज रात को खास, ये है मोहब्बतें के अपकमिंग ट्रैक में कौन सा नया ट्विस्ट शो मेकर्स लेकर आने वाले हैं, इसका खुलासा हम करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत भाई शो के बीते ट्रैक के साथ। अगर आप सभी व्यूवर से शो का बीता ट्रैक मिस अपडेट हो चुका है तो शुरुआत सबसे पहले शो के रिसेंट ट्रैक से। भाई रिसेंट ट्रैक की शुरुआत हुई यहाँ पर सिमी के साथ, जहाँ पर फाइनली सिमी ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि परम असली गुनेगार है, परम असली मास्टरमाइंड है और परम का साथ दे रही थी सिमी भी। वहीं पर सिमी की गवाही के बाद अब पूरे परिवार ने सिमी को कर लिया है एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि असली मजा तो तब आया जब यहाँ पर रमन इशिता, पूरा परिवार तो खुश था सिमी के वापस आने से, सिमी का फिर से पॉजिटिव किरदार देखकर। लेकिन यहाँ पर ये क्या भाई, यहाँ पर तो एक जोकर आ चुका है। जी हाँ, जोकर आ चुका है यहाँ पर, जो करने वाला है अब पीहू का किडनैप, और वो भी पीहू के कैंप से। भाई ये हादसा होने वाला है आज रात को टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में स्टार प्लस के ये है मोहब्बतें में, जहाँ पर फाइनली आज रात को पीहू का किडनैप होगा। और ये जोकर यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परम ही है जो ये खेल खेलने वाले हैं आज रात को पीहू के साथ रमन इशिता की बर्बादी को लेकर और एक मकसद को भी लेकर। वह परम का मकसद है जेल की सलाखों से बचने का, परम का मकसद है कि सिमी ने जो गवाही दी है उसे वापस ले लें, परम का मकसद है कि यहाँ पर पूरा भल्ला परिवार बर्बाद हो जाए। भाई ये सारा ड्रामा होने वाला है अपकमिंग ट्रैक में परम की वजह से। रमन इशिता की जिंदगी में फिर से चाहते या फिर मोहब्बतें नहीं बल्कि मुसीबतें आने वाली है आज रात को पीहू की किडनैपिंग के बाद। भाई किस तरह से ये सारा ड्रामा टेलीकास्ट होगा आज रात को पीहू के इस किडनैपिंग ट्रैक को लेकर, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला मशहूर सीरियल ये है मोहब्बतें, जिसका अपकमिंग ट्रैक यानी कि आज रात को टेलीकास्ट होने वाला एपिसोड होगा बेहद ही खास। वे जहां पर शो के बीते ट्रैक में फाइनली शो मेकर्स ने दिखाया कि किस तरह से सिमी की आंखें खुल चुकी है, सिमी ने परम के खिलाफ गवाही दे दी है। लेकिन क्या होने वाला है आज रात को टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में, तो भाई यहाँ पर आज रात को टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में आप सभी व्यूवर्स देखेंगे कि फाइनली परम पहुंच जाएगा जोकर बनकर इस बार पीहू के कैंप में, जहां पर परम फाइनली कर लेगा पीहू का किडनैप। पीहू पूरी कोशिश करती नजर आएगी इस जोकर से, इस परम से बचने की, लेकिन यहाँ पर परम की साजिश हो जाएगी कामयाब। बता दें आपको कि यहाँ पर फाइनली परम करने का पीहू का किडनैप, और जैसे ही रमन इशिता और सिमी साथ लेकर पहुंचेंगे पीहू को ढूंढने, वैसे ही यहाँ पर इस बार परम चला जाएगा पीहू को लेकर और रमन इशिता को कहीं पर भी नहीं मिलेगी उनकी पीहू। वह बता दें कि ये सारा ड्रामा देख रमन इशिता डर जाएंगे और यहाँ पर होगी सिमी जो ये राज खोलती नजर आएंगे कि ये खेल किसी और का नहीं बल्कि परम का ही है, और वो ये खेल इसलिए खेल रहा है ताकि उसे जेल के सलाखों से बचाया जा सके। बता दें कि ये सब जानने के बाद अब रमन इशिता हैरान होंगे। रमन इशिता पूरी कोशिश करेंगे पीहू को ढूंढने की कि आखिर कहाँ होगी उनकी पीहू। वल अब सवाल ये आ जाता है कि क्या वाकई रमन इशिता उस जगह पहुंच पाएंगे जहाँ पर है परम और पीहू। क्या वाकई रमन इशिता बचा पाएंगे अपनी प्यारी बेटी पीहू की जान परम की साजिश से, या फिर परम की वजह से पीहू के साथ होगा कोई हादसा। वेल सवाल तो है, लेकिन सवाल का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ सीरियल ये है मोहब्बतें के अपकमिंग ट्रैक में। वेल देखा आप सभी व्यूवर्स ने किस तरह से यहाँ पर शो मेकर्स नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ट्रैक के साथ, एपिसोड के साथ, हमेशा कोई ना कोई नई कोशिश करते नजर आ रहे हैं व्यूवर्स को एंटरटेन करने की। पहले इशिता के डेथ ट्रैक को लेकर, डेथ सीक्वेंस को लेकर, अब पीहू की किडनैपिंग को लेकर, और यहाँ पर इतिहास दोहराने का चयन यानी कि चलता ही रहेगा, और यहाँ पर अभी भी वही होने वाला है जहाँ पर कई बार बेचारी पीहू का किडनैप तो हुआ लेकिन पीहू
फाइनली बचकर वापस आ जाती है अपने परिवार के पास। भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार भी, क्योंकि यहाँ पर फिर से पीहू की जान बच जाएगी, परम एक्सपोज हो जाएगा, परम के साथ हादसा हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा किसकी वजह से? रमन की वजह से? नहीं, इशिता की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। भाई ये सारा ड्रामा होगा सिमी की वजह से। जी हाँ, सिमी, वही सिमी जो परमजी परमजी करती थकती नहीं थी, अब वही सिमी अंत करने वाली है अपने परमजी का। अब यही सिमी पीहू को बचाने वाली है। अब यही सिमी जो पीहू से बदला लेना चाहती थी अपनी मरी हुई बेटी अनन्या का, अब यही सिमी बचाने वाली है पीहू को परम की साजिशों से। इतना ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब आप सभी व्यूवर्स देखेंगे कि यहाँ पर पीहू, सिमी, रमन और इशिता के साथ कोई हादसा नहीं होगा, बल्कि हादसा होगा परम के साथ। लेकिन यह हादसा किसकी वजह से होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा, भाई ये सारे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो भाई इंतजार नहीं बल्कि देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें खुलेगा राज अपकमिंग ट्रैक को लेकर कि भाई आखिर क्या कुछ होने वाला है परम के साथ शो के आगे आने वाले ट्रैक में नया ड्रामा। Well, देखा आप सभी व्यूवर्स ने किस तरह से शो मेकर्स यहाँ पर खेल खेल रहे हैं ट्रैक के साथ, कहानी के साथ, किरदारों के साथ। लेकिन जहाँ पर हमने आपको बताया था कि अब सिमी बचाएगी पीहू की जान और यहाँ पर अब होगा अंत परम का, तो आपको बता दें कि ऐसा तब होगा जब यहाँ पर सिमी बचाएगी पीहू की जान और यहाँ पर सिमी अकेले नहीं बल्कि रमन इशिता पुलिस लेकर पहुंच जाएंगे परम और पीहू और सिमी के पास, जहाँ पर फाइनली पुलिस चला देगी परम पर गोली और गोली लगता देख सिमी की आंखों से आंसू आ जाएंगे। सिमी रोने लग जाएंगे कि भाई पहले तो मां अनन्या को खो चुकी है और अब परम भी, यानी कि सिमी के सामने होने वाला है अब वो हादसा जो हादसा कहानी बदलने वाला है। क्योंकि जहाँ पर परम के साथ होगा ये हादसा, तो वही अब खबरें है की शुरुआत होने वाली है शो में बहुत ही जल्द लीक। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, शो मेकर्स करने वाले हैं शो में बहुत ही जल्द लीक की शुरुआत, और वो भी रोशनी के छोटे से क्यूट से प्यारे से बेबी बॉय यानी कि आदि को लेकर। भाई जहाँ पर मी का पूरा ख्याल रखती नजर आ रही है रोशनी के बेटे आदि का, तो वहीं अब लीक आने वाला है जिसके बाद रिश्तों की कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि यहाँ पर ट्रैक ही पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि लीक आता है तो कहानी बदलती है, कहानी बदलती है तो किरदार बदलते हैं, अगर किरदार बदलते हैं तो यहाँ पर अवतार भी बदलते हैं। भाई यहाँ पर अब आपको दिखेगा छोटे आदि से बड़ा आदि, यानी कि नए आदि के होने वाली है धमाकेदार एंट्री। लेकिन यहाँ पर खबरें ये भी है कि शादी के अवतार में हो सकती है फिर से एक्टर अभिषेक वर्मा, यानी कि आलिया के भी आदि की रोशनी के बेटे के रूप में। वाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या बात है, शो मेकर्स लेकर आने वाले हैं एक्टर अभिषेक वर्मा को आदि के रूप में वापस, या फिर शो में होगी किसी नए शख्स की एंट्री। वाल क्या होगा क्या नहीं, ये देखना वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। भाई देखा आप सभी व्यूवर्स ने किस तरह से यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है शो की टीआरपी को लेकर, जहाँ पर सीरियल ये है मोहब्बते की टीआरपी भाई 10 से भी बाहर हो चुकी है, तो अब इस टीआरपी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो भाई शो मेकर्स ने सोचा है एक प्लान। और वो प्लान क्या है भाई, शो मेकर्स का प्लान है पहले तो पीहू की किडनैपिंग का, फिर परम के अंत का, और फिर शुरुआत करने वाले हैं लीप की। जैसा कि हमने आपको बताया हमारी रिपोर्ट में कि लीप की शुरुआत करेंगे शो मेकर्स, आदि बड़ा हो जाएगा यानी कि रोशनी का बेटा, शुरुआत होगी नए सिरे से, नए सफर की, नई कहानी की, नई मोहब्बत की, नए इश्क की, नए प्यार की। लेकिन ये कहानी, ये प्यार किस हद तक रहेगा प्यार, या फिर से ये है मोहब्बतें बन जाएगी, ये है मुसीबतें की कहानी, ये देखना वाकई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। वेल अपडेट दे दी है आप सभी व्यूवर्स को, तो जाहिर सी बात है हमारा भी वक्त हो चुका है आप सभी व्यूवर्स को टाटा बाय बाय कहने का। लेकिन इस वादे के साथ कल फिर होंगे हाजिर नई कहानी नई ट्रैक को लेकर। लेकिन तब तक के लिए किसी भी सीरियल को मिस अपडेट ना करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज एंड स्टे अपडेटेड।